जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है आपका वेन आरेख, और बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे कि इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पहले सीरीज है इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें हमें वेन डायग्राम बनाना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सभी पुलिस क्या है, मनुष्य है, सभी चोर मनुष्य है, कोई भी पुलिस चोर नहीं है। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो वास्तव में आप देखें तो सही लगता है, लेकिन यहाँ अगर रीजनिंग की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही हो। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, चलिए इन्हीं पे एग्जांपल, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप कहेंगे कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको लॉजिक लगाना है, यहाँ पे कोई चीज़ सत्यता नहीं प्रूफ करना, तो जो बोल रहा है आपको उतना ही समझना है। और सबसे पहले क्या उठाना है, यहाँ पे अगर कोई टर्म है कुछ का, अगर कुछ चीज़ें दिया हो तो वो हमेशा ऐसे आप दिखाएंगे, ये इंटरसेक्शन आपका होता है यहाँ पे, ये जो दोनों का कॉमन होता है। सभी अगर होगा तो वो एक के अंदर दूसरा कोलैप्स करेगा, कोई नहीं होगा तो वो दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, अगर हम इस एग्जांपल का देखें कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा और हम निष्कर्ष कैसे क्या क्या निकाल सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है। देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी पुलिस मनुष्य है, लेकिन क्या बोल रहा है, सभी पुलिस, तो सभी के बाद जो टर्म है वो अंदर रहेगा, पुलिस पी, हमेशा इसका पहला लेटर लिया करें तो जल्दी से आप समझ जाएंगे। पी आपने क्या, सभी पुलिस मनुष्य है, तो यहाँ मनुष्य है, सभी चोर भी मनुष्य, मतलब सभी चोर मनुष्य। तो यहाँ देखिए, अभी ये नहीं बताया कि कोई पुलिस चोर है या कोई चोर पुलिस, तो यहाँ क्या दूसरा टर्म आपका क्या, सभी चोर मनुष्य, कोई भी पुलिस चोर नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ दिया होता, जैसे यहाँ पे दिया होता कुछ पुलिस चोर हैं, तो हम क्या करते इसको यहाँ पे कोलैप्स करा देते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी पुलिस चोर नहीं है, तो दोनों को एकदम अलग रखेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकालेंगे, कोई भी निष्कर्ष अपने मन से नहीं निकालना है, यहाँ पे हर निष्कर्ष जो दिया हुआ है आप वैसे ही निकालेंगे। अब इसमें इसको देख के आप क्या क्या कह सकते हैं, क्या कि यहाँ पे क्या सभी पुलिस आपके मनुष्य हैं और सभी चोर भी क्या हैं, मनुष्य हैं। यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ये पूरा है संपूर्ण मनुष्य, इसमें आपके क्या है कुछ मनुष्य क्या है चोर दिख रहा है, तो यहाँ आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ मनुष्य चोर हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल में कुछ तो है थोड़ा सा पार्ट। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ मनुष्य पुलिस हैं, देखना मतलब जो दिख रहा है। पहले हम क्वेश्चन से एक डायग्राम बनाएंगे फटाक से, पहले कुछ शब्द कुछ वाले को आप कोलैप्स करके दिखाएंगे, संपूर्ण वाले को जो पहले सभी जो बोलता है, सभी के बाद जो रहता है वो अंदर रहता है और बाद वाला बाहर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप वेन डायग्राम बनाएंगे, उससे देखेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है और तुरंत ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे कौन सा आंसर। तो इसमें हम इसके अलावा कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ मनुष्य आपके क्या है पुलिस है और कुछ मनुष्य चोर है। क्या ये निष्कर्ष निकल सकता है कि सभी मनुष्य पुलिस हैं? अब यहाँ सभी पुलिस मनुष्य हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी मनुष्य पुलिस हैं तो सभी पुलिस आप क्या कह सकते हैं, मनुष्य है। तो यहाँ दोनों आपका वाइस वर्सा जो होगा वो टर्म आप नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सभी मनुष्य भी पुलिस हैं, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया, वो ऑप्शन आप कट कर देंगे। अगर बोला जाए सभी मनुष्य चोर हैं, तो यहाँ सभी मनुष्य के तो मनुष्य बीच में आ जाएगा, चोर बाहर, क्या आप देख रहे हैं? नहीं। अगर आप ऐसा करते तो इसी मनुष्य में आपका पुलिस भी आ जाता और ये चोर और पुलिस, ये जो चोर और पुलिस वो कोलैप्स कर जाते, आपका तीसरा सेंटेंस यहाँ से कट जाता। अर्थात हमें बस वही चीज़ें देखनी है जो वो बोल रहा है और वही कंक्लूजन निकालता है जो हमने डायग्राम में बनाया है, इसके अलावा इतर कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे नहीं निकलता। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में इतने आसानी से ऐसे नंबर गेन कर सकते हैं।